38 साल के इस क्रिकेटर ने रचाई दूसरी शादी पहली पत्नी को। 38 साल के दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने दूसरी बार शादी रचाई है। स्मिथ के नाम दक्षिण अफ्रीका के सबसे युवा कप्तान होने का रिकॉर्ड है। इससे पहले स्मिथ ने अगस्त 2011 में केप टाउन में आयरलैंड की गायिका मॉर्गन डीन से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। हालांकि फरवरी 2015 को दोनों ने घोषणा की कि वे तलाक ले रहे हैं। दरअसल 38 साल के ग्रीम स्मिथ ने 2 नवंबर को अपनी प्रेमिका रोमिला रांची के साथ शादी रचाई। स्मिथ ने सोमवार को अपनी शादी की फोटो ट्वीट की। उन्होंने लिखा, 2 नवंबर का दिन बहुत बेहतरीन था। इससे पहले स्मिथ ने अगस्त 2011 में केप टाउन में आयरलैंड की गायिका मॉर्गन डीन से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। बता दे, स्मिथ और मॉर्गन डीन ने फरवरी 2015 को दोनों ने घोषणा की कि वे तलाक ले रहे हैं। मॉर्गन और स्मिथ के दो बच्चे हैं। साल 2012 में उनके घर बेटी कैंडेस क्रिस्टीन स्मिथ का जन्म हुआ। उसके एक साल के बाद बेटे कैमोरीन स्मिथ का जन्म हुआ। दिसंबर 2016 में स्मिथ की मौजूदा पत्नी रोमी ने उनके तीसरे बेटे को जन्म दिया। उल्लेखनीय है कि ग्रीम स्मिथ सबसे सफल टेस्ट कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए स्मिथ ने 117 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 48.25 की औसत से 9,265 रन बनाए। स्मिथ को 109 टेस्टों में 53 में जीत हासिल हुई। रिकी पोंटिंग दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 48 टेस्ट मैच जीते थे।